हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूँ स्तुति जैन और आज का जो ये वीडियो होने वाला है ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट वीडियो होने वाला है, इसलिए इस वीडियो को एंड तक देखिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिए ऐसी ही अच्छी अच्छी वीडियोज़ के लिए। तो आज का जो वीडियो है, जो टाइटल से आपने पढ़ ही लिया होगा कि आज मैं आपको स्टैटिक जी के करेंट अफेयर सबके जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, जो आईजीएल हो चुका है उसका एनालिसिस करके जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो निकाले हैं मैंने। और अब जो आने वाला सीएचएसएल और एमटीएस का एग्ज़ाम होने वाला है उनके लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाली है। तो वो सारे बच्चे इस वीडियो को ध्यान से देखें और सारे टॉपिक जो हैं उन्हें नोट डाउन कर लें कहीं पर, उनकी पीडीएफ निकाल लें कहीं से और फिर उनको पढ़ लें। तो मैं आपके साथ सारे टॉपिक शेयर कर दूंगी, एंड तक वीडियो को देखिए सारे टॉपिक्स जानने के लिए। और मैं करंट अफेयर भी सबसे पहले मैं करंट अफेयर बता देती हूँ। अगर आप कर सकते हैं तो जो 2021 जनवरी 2021 से लेके अभी मार्च या अप्रैल तक का 2022 तक का करंट अफेयर आप कर लीजिए। अगर इतना आपने कर लिया तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा हो जाएगा, क्योंकि सीजीएल में 2021 के करंट अफेयर पूछे गए हैं, तो हो सकता है कि सीएचएसएल में भी वही पूछे जाएं। और उसमें से जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स जिनसे क्वेश्चंस आए हैं मैं आपके साथ वो शेयर कर देती हूँ, तो आप देख लीजिए। तो सबसे पहले जो कुछ टॉपिक्स हैं आप सुनिए। सारे इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल जो अभी सेलिब्रेट किए गए हैं या हो रहे हैं, या जो स्टेट के इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल्स हैं वो हमें पढ़ने हैं। अपॉइंटमेंट्स 2021 से लेके 2022 तक की जितनी भी इम्पॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स हैं वो हमें करनी है। अमेंडमेंट्स आप ज़रूर रिवाइज करके जाइए, उससे क्वेश्चंस आ रहे हैं। उसके बाद जो इम्पॉर्टेंट डेट्स हैं हिस्ट्री में, पॉलिटी में इम्पॉर्टेंट डेट्स हैं, उन्हें हमें याद कर लेना है। जैसे कि एक एग्जाम्पल है कि हमारा, इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन डे है वो कब सेलिब्रेट किया जाता है और क्यों सेलिब्रेट किया जाता है। इसके बाद जो भी नए सीएम हैं, गवर्नर्स हैं, उन्हें याद करना है। हमें डेज और थीम से भी क्वेश्चंस आया था। बुक्स एंड ऑथर्स हमें पढ़ने हैं। बजट और सेंसस, ये दोनों चीज़ें, जो सेंसस 2011 वाला है वो हमें बहुत अच्छे से करके जाना है, उससे क्वेश्चंस आ रहे हैं। और बजट 2021 का, 2022 का, दोनों हमें करने हैं। उसके बाद रिवर और ट्रिब्यूटरीज से भी एक क्वेश्चन देखने मिला था। उसके बाद जो प्रोफेशनल प्लेयर्स हैं उनके नाम और वो किस गेम से बिलोंग करते हैं वो हमें पढ़ के जाना है, क्योंकि उससे क्वेश्चन आ रहे हैं। जैसे कि जो अभी टोक्यो ओलंपिक्स और पैरा ओलंपिक्स हुआ है, पैरा एथलेटिक ओलंपिक्स हुआ है, उनके ऊपर क्वेश्चंस ऐसे आए हैं कि जैसे नीरज चोपड़ा ने कौन से गेम से रिलेटेड हैं, ऐसे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। तो कितने ईजी क्वेश्चंस हैं, लेकिन यही आपको नंबर दिला सकते हैं। इसके अलावा इंडेक्सेस हमें याद करके जाने हैं, माउंटेन पीक्स हमें पढ़नी है, डायनेस्टीज और उनके फाउंडर्स और इम्पॉर्टेंट रूलर्स ये हमें पढ़ने हैं, डांसेस, फोक डांसेस, ये सब हमें पढ़ के जाना है। कांग्रेस के बारे में हमें पढ़ के जाना है, जो इंडियन नेशनल कांग्रेस रही है उसके बारे में। स्पोर्ट्स कितने भी इम्पॉर्टेंट इवेंट्स हैं, जैसे कि ग्रैंड स्लैम हो गया, IPL हो गया, इसके बारे में हमें पढ़ना है। और कुछ गवर्नमेंट स्कीम्स हमें देख लेनी है, मिलिट्री एक्सरसाइजेस के ऊपर भी क्वेश्चंस देखे गए हैं सीजीएल में, इम्पॉर्टेंट आर्टिकल्स और डिसीजेस, ये वाले क्वेश्चंस भी आए थे, तो इनको भी आप थोड़ा देख लीजिए। और उसके बाद जो नॉर्मल हर जो पेपर में देखे, हर बार पेपर में आता है, डैम्स और नेशनल पार्क्स, वो तो हम करते ही हैं। इसके बाद अगर इतने के बाद आप और जानना चाहते हैं तो 3 साल के प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चंस थे उन्हें पढ़ लीजिएगा। पहले जो टॉपिक्स मैंने आपको बताए हैं इन्हें पढ़ लीजिए, क्योंकि ये टॉपिक से सीजीएल में क्वेश्चन आया है तो ऑब्वियस सी बात है इनसे सीएचएसएल और एमटीएस में क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। तो आपको ये सारे टॉपिक्स कवर करने हैं, क्योंकि हमारे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं जिनसे मैथ बन जाती है, रीजनिंग बन जाती है, इंग्लिश वो कर लेते हैं, लेकिन जो गेम चेंजर होता है वो होता है जीके। जीके से हमें नंबर एकदम से बढ़ भी सकते हैं और नंबर बहुत जल्दी कम भी हो सकते हैं। तो ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, सबसे पहले इन इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर कीजिए, उसके बाद टाइम मिलता है तो आप और पढ़ सकते हैं। बट इनके अलावा आपको कहीं और भागने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यही आए हैं तो हो सकता है आने वाले सीएचएसएल में इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछें। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए
और मुझे मेरे इंस्टाग्राम चैनल पे भी आप फॉलो कर सकते हैं, उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। और चलिए, थैंक यू।